नमस्कार। खबर कठुम्बर से। 8 वर्षीय दलित छात्र की मौत के मामले में एक दर्जन ग्रामीणों ने एससी आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा और उपखंड अधिकारी कठुम्बर को ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है और साथ ही दोषी शिक्षक को कठोर सजा दिलाने की मांग भी की है। ज्ञापन में बताया कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। ज्ञापन में बताया गया कि जालोर जिले के सायला क्षेत्र के सुराणा स्थित सरस्वती विद्यालय में कक्षा 3 के 8 वर्षीय मासूम दलित छात्र इंद्र कुमार पुत्र देवाराम को उसी स्कूल के हेडमास्टर छैल सिंह ने महज इसलिए पीट पीट कर अधमरा कर दिया क्योंकि इंद्र ने उनकी मटकी से पानी पी लिया था। करीब 23 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए इंद्र ने 13 अगस्त को दम तोड़ दिया। हम भले ही आज़ादी का जश्न मनाएं या फिर आज़ादी का महोत्सव या आज़ादी की रैलियां निकालें, इन हालातों को देखते हुए तो लगता है कि जैसे आज़ादी के कोई मायने ही नहीं रह गए। सच पूछो तो हम आज भी गुलामियों की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। छुआछूत का भेद आज भी खत्म नहीं हुआ। आज भी दलितों के साथ अत्याचार, शोषण, अपमान, तिरस्कार, जलालत और अन्याय जैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। जहां समाज के ठेकेदार दलित दूल्हों की बारात या निकासी या बिंदोरी घोड़ी पर नहीं निकालने देते, पुलिस के साए में बारात निकाली जाती है। दलित समाज का भेदभाव और छुआछूत की भावना मिटाने के लिए संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून में प्रावधान किए थे, लेकिन जालोर की इस घटना से यह साबित होता है कि सरकार ना तो इन प्रावधानों को सख्ती से लागू कर रही है और ना ही दलित स्वर्ण में खाई को मिटाने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है। बालक इंद्र की मौत ने फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या हम वाकई आज़ाद हो गए हैं? क्या हम अब खुली हवा में सांस ले रहे हैं? क्या दलित सुकून की जिंदगी जी रहे हैं? क्या सरकार ने कभी यह पता करने का प्रयास किया कि दलितों पर कहीं अत्याचार तो नहीं हो रहे? सरकार कानून के रखवाले और छुआछूत मिटाने की जिम्मेदारी का ठोकरा सिर पर उठाए जिला व पुलिस प्रशासन के लोगों से एक ही सवाल है कि आखिर इस बालक का क्या कसूर था? यदि छुआछूत संबंधी कानून सख्ती से लागू होते तो इंद्र के साथ इतनी ज्यादा हैवानियत नहीं होती। इंद्र को इतनी बुरी तरह पीटने वाले मास्टर ने तो सारी हदें ही पार कर दी। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा राशि और दोषी शिक्षक को कठोर सजा दिलाने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान तारेश जाटव, हरिकिशन मैनेजर, सुनील मीणा, जयराम बैरवा, राकेश मीणा, नरेंद्र कुमार बैरवा, मुरारी लाल मीणा, फतेह सिंह आदि लोग मौजूद रहे। गांव का एक डेपुटेशन, गांव के ग्रामीण लोग मुस्कुरा के मिले। जो दलित छात्र की पीट पीट कर जो मौत हुई है उसको लेकर मुझसे ग्रामीणों ने आके मुलाकात करी, दलित समुदाय ने आके मुलाकात करी। मैं आश्वस्त करता हूँ मैं जल्दी जयपुर पहुँचकर सीएम साहब से मुलाकात करूँगा और सीएम साहब को हालातों से अवगत कराऊँगा और मैं सीएम साहब से निवेदन करूँगा कि तुरंत उन दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर उनको सज़ा मिले और बालक को, परिवार को उचित मुआवजा मिले।